नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं वाचनाव। तो दोस्तों, अभी हम फैजल खान सपोर्टर्स ब्लॉग पार्ट सिक्स में हैं। तो पार्ट सिक्स में जो फैजल खान के सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं फैजल खान जी के लिए, फैजल खान जी के हक में दुआएं मांग रहे हैं। हालांकि मूवी उतर चुकी है, कमाई उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना अच्छा मूवीज़ कमाई आज के दौर में करती हैं, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसको स्क्रीन्स नहीं मिली और कई सारे कारण हैं। इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी मिलते हैं फैजल खान जी के नए सपोर्टर से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर खान और मैं यूपी के अमरोहा से बिलोंग करता हूँ और मेरी उम्र है 24 साल। सबसे पहले तो फैसल भाई, सल्यूट है आपको कि आपने फैक्ट्री जैसी इतनी बेहतरीन मूवी बनाई। वाकई में सल्यूट है आपको, और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, इतनी सारी मुश्किलों से निकलने के बावजूद अकेले अपने दम पर फिल्म बनाना वाकई में काबिल तारीफ़। और गौरव भाई, आपको भी मेरा फुल सपोर्ट एंड सल्यूट है आपको भी कि आपने पूरी फैक्ट्री मूवी के दौरान फैसल भाई को जो सपोर्ट दिखाया वाकई में काबिल तारीफ है। बस फैसल भाई, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस आप फिल्में लाना मत छोड़ना और ना ही फिल्मों के बीच में इतना गैप रखना। बस ऐसे ही लगातार अच्छी अच्छी मूवीज़ लाते रहिए और हमें एंटरटेन करते रहिए। हमारा पूरा सपोर्ट है आपके साथ। हेलो फैजल सर, मेरा नाम सद्दाम खान है और मैं राजस्थान के नागौर ज़िले में रहता हूँ। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी मूवी की इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बावजूद भी सर इसे थिएटर से इतने जल्दी क्यों उतार लिया गया? सर, रही बात इस फिल्म की, तो ये फिल्म सर ब्लॉकबस्टर है। कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो नहीं पता, लेकिन आपने इस फिल्म के जरिए हमारे दिलों में राज कर लिया सर। क्या ही कमाल की एक्टिंग की आपने सर, ऐसा लग नहीं रहा कि आप सर। और वैसे मैं आमिर खान का भी फ़ैन हूँ, लेकिन अभी पार्टी चेंज करनी पड़ेगी लगता है। और सर, मेरे पास कोई सुझाव तो है नहीं, बस इतना कहूँगा कि आप काम करते रहिएगा। फैक्ट्री के बाद भी हम आपको और काफ़ी मूवी में देखना चाहते हैं, काफ़ी फिल्मों में देखना चाहते हैं सर। तो सर, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है, आपके हाथ में कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सी मूवी आपके हाथ में है, आगे का क्या सीन है सर, प्लीज़ हमें बताइए। सर, फैक्ट्री के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा जवाब ज़रूर दीजिएगा सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वालेकुम, मैं फैजल सर, मैं डी एस एम सर, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सर, आपका जो मूवी के तो हम बहुत बड़े फ़ैन है ही, मगर आपका जो एक रियल और एक हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ, उसी उसकी वजह से हम सब आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं हमारे फैमिली में। और जैसे कि असम में अफसोस की सिनेमा हॉल अभी बंद है, खुला नहीं, तो हाल ही में मैंने सुना कि आपका जो मूवी है वो यूट्यूब OTT पे आ जाएगा, तो वही एक उम्मीद है, आशा है कि जल्द आए, हम लोग फैमिली देखें। हम फैमिली बहुत ज़्यादा फ़ैन है सर आपकी, आपका इतना हम्बल अभी तक तो मेरे लाइफ में अभी तक ऐसा देखा नहीं सर, इतना हम्बल। तो सर, मैं डी एस एम इस, आपको तो याद होगा, मतलब यूट्यूब पे आपने एक नव भारत नाम के चैनल पे लाइव आए थे ना, तो उस समय हमने बोले थे कि हम मुंबई जाएंगे, आपसे मिलना है, तो आप भी बोले थे हाँ ठीक है, मतलब इधर आने से मेरे गेट पे आके डी एस एम इस बोलना। तो सर, अभी 2 महीने बाद जाएंगे अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो। तो सर, उसी सबसे सर एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए आपका, मतलब मुझे उस बातें बोलना है, उस जाएंगे तो, मगर एक कॉन्टेक्ट हो तो सर बहुत अच्छा होगा, मतलब मेरे लिए थोड़ा बहुत हेल्प भी मतलब चाहिए आपसे, तो उस मतलब आशा है आप कुछ करेंगे मेरे लिए, तो यही है सर। और लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूँगा गौरव भाई, थैंक यू भाई फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। हाय, मेरा नाम है यथानोल जिमू और मैं नागालैंड इंडिया से हूँ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया नागालैंड। और कई दिनों से फैजल सर का जो इंटरव्यू वगैरह है वो बहुत हम लोग देख रहा हूँ, और उसका मूवी भी बहुत कम स्क्रीन थिएटर में लाए, लेकिन फिर भी उसको भी रिमूव कर चुकी है, बहुत अफसोस की बात है। और उसने जितना भी स्ट्रगल किया उस स्टोरी में, उसका जो जर्नी है बहुत स्ट्रगल से आगे निकला है, लेकिन फिर भी उसका साथ कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, इतना कुछ सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन कोई बात नहीं, उसका साथ अगर कोई साथ बॉलीवुड वगैरह साथ नहीं देने से भी भगवान हमेशा उसका साथ रहेगा और हम लोग हमेशा उसको सपोर्ट देते रहेगा। और गुड न्यूज़ सुना है, उसका जो OTT प्लेटफॉर्म में रिलीज़ हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ, उसका जो मूवी जो OTT प्लेटफॉर्म में आ रहा है बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज़ अपडेट कर देना कब उसका मूवी जो OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और फैजल से वी लव यू फ्रॉम नागालैंड एंड वी प्रे कि मैं हमेशा हम लोग हमेशा भगवान से दुआ करता हूँ कि
हमेशा आपका जो लाइफ है उसको हमेशा एज अ गुड हेल्थ हमेशा दे और हमेशा आपको सक्सेस दे लाइफ में. थैंक यू फैजल सर फॉर इंस्पायरिंग अस. वी लव यू. ए बिग फैन फ्रॉम नागालैंड. थैंक यू.